हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सारे फ्रेंड्स कैसे हो सब लोग? एकदम बढ़िया ना? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हों और अपने अपने घरों में एकदम सुरक्षित हों। आज डे है थर्सडे, तो मैं इस टाइम पर इवनिंग में अपनी चाय ले चुकी हूँ। बच्चों को कुछ हल्की फुल्की भूख थी तो मैंने उनके लिए फ्राइड राइस बनाया, उन्होंने वो खाया। इसके बाद हस्बैंड ड्यूटी से आ चुके हैं तो सब्जियां आई हैं, मैंने मंगवाई थी। ये मैंने मंगवाई है मेथी, ढेर सारी मेथी मंगवाई है। तो मैं अभी फिलहाल तो मेथी के पत्ते चुन चुन के और धुल करके फैला के रख दूंगी। और बैंगन मंगवाए हैं बड़े वाले, क्योंकि आजकल तो लंच बन रहा है सुबह, नो डब्बा नो टिफिन, तो लंच में बनाए जाएंगे बैंगन का भरे और गर्मा गर्म रोटियां खाई जाएंगी। तो और साथ में सैलेड भी बनाएंगे, मेथी की सैलेड जो बताया था ना मैंने, वो वाली सैलेड बनाएंगे। तो मेथी जो मैंने ज्यादा सी मंगवाई है उसका मैं कसूरी मेथी बनाने वाली हूँ, तो इसे मैं कल बनाऊंगी कसूरी मेथी। आज मैं धुल करके रख दूंगी, तो कल जब मैं कसूरी मेथी इसको घर में बनाऊंगी, मिनटों में बनाएंगे हम लोग और फिर डब्बों में भर के रख लेंगे, क्योंकि कसूरी मेथी का यूज तो हम लोग बहुत सारी सब्जियों में करते हैं। हालांकि अभी आगे और सीजन आएगा तो मैं थोड़ी सी मेथी का कसूरी मेथी बना के दिखाऊंगी, जिससे कि आप जब चाहें तो बना के रख सकते हैं। और सुबह मैंने शूटिंग करी थी लंच के लिए, आपके साथ शेयर भी किया है। और इस टाइम पे हम लोग जाने वाले हैं मार्केट, साई जीवन एक शॉप है यहाँ पर जहाँ से हम लोग मंथली ग्रोसरी शॉपिंग करते हैं। तो फाइनली आज वही दिन आ गया है, आज जा रहे हैं। और टीवी बंद है, टीवी तो खराब हो गया है, तो घर में टीवी नहीं है, सन्नाटा है। तो बच्चों के पास भी वही है, कोई चॉइस नहीं कि घर में क्या करेंगे। तो हम सभी लोग जा रहे हैं शॉपिंग के लिए, वहां पर हम लोग क्या क्या लेने वाले हैं मैं दिखाऊंगी। और बहुत सी चीजें जो अक्सर व्यूअर्स पूछते हैं तो वो भी मैं जितना हो सकेगा, क्योंकि देखो शॉप में जाना और कोरोना का टाइम चल रहा है तो हर जगह हम लोग पूरा अपने मन चाहे कैप्चर नहीं कर सकते, तो जितना हो सकेगा मैं शूट करने की कोशिश करूंगी, तो वो आपके साथ शेयर करूंगी। ठीक है, चलो देखते हैं आज का हमारा व्लॉग। कल मैंने ये रंगोली दिखाई थी आपको तुलसी जी की, तुलसी घड़ा बना है, बांसुरी है, मोर पंख है और तुलसी जी के विवाह के लिए ये आभूषण रखे हैं, हल्दी कुमकुम और मंगलसूत्र। शाम के समय में छत में बहुत ही सिंपल सी पूजा की गई है, फूल और धूप दीप अगरबत्ती और ये लाइटिंग रखी गई है, रंगोली बनाई गई है तुलसी जी के सामने। तो जो हमारे कमरे के ऊपर जो छत है ना, वहीं पर एक थोड़ा सा जगह है जहां पर प्लांट्स वगैरह लगे हुए हैं, तो छोटी सी पूजा की गई है। बाकी जो तुलसी जी हम लोग अपने अपने घर में रखते हैं वो वहीं पे रखी हुई है, उनको नहीं हिलाया है। बहुत ज्यादा विधिवत तरीके से पूजा तो हमने कभी की नहीं है, जैसा मम्मी लोग करते हैं देखा है अपने घरों में, लेकिन कभी खुद से अकेले हमेशा रहे हैं तो हिम्मत नहीं हुई यूं कह लो। तुलसी जी का ये देखो ब्लाउज पीस का कपड़ा है, यानी कि कुछ धोती साड़ी पहनाते हैं ना, तो ऐसे ब्लाउज पीस का कपड़ा। और ये जो फेस है ये ऐसे मार्केट में मिलता है। और जो छोटी सी ड्रेस बनाई गई है लहंगा, तो जैसे कलश बनाते हैं ना, कलश में भी वो जैसे कपड़े मिलते हैं ना कलश के लिए, वो वैसा है, घाघरा जैसा है। तो बस मन की श्रद्धा विश्वास और पूजा में तो भाव ही रहते हैं मेन, तो एक छोटी सी शॉर्टकट वाली पूजा हुई है तुलसी विवाह के लिए। जैसे हमारे यहाँ थाल उतारते हैं वैसा नहीं किया, जैसे मम्मी लोग करती हैं और मेरी भाभी लोगों ने भी खूब जम के किया है दोनों ने, क्योंकि वो लोग मम्मी उनके साथ रहती हैं और करवाती रहती हैं, वो देखती रहती हैं तो उनको सब रहता है करने का। मैंने देखा है लेकिन कभी खुद से किया नहीं है, तो मेरे से बहुत ज्यादा विधिवत नहीं होता। लेकिन अभी मैं एक दिन घर में रखूंगी पूजा, वो मैं दिखाऊंगी आपको। तो बस कमरे के बाहर ही जैसे दीपक रखते हैं हम लोग और रंगोली ये सब हुआ। हस्बैंड ड्यूटी से आ गए हैं तो सब्जी लाए हैं, मटर आई है सीजन की पहली मटर, थोड़ी शुरुआत में पहली बार तो महंगी होगी तभी शायद इतनी सी लेके आए, वो तो मुझे क्वांटिटी देख के ही लग रहा है। और फूल गोभी आया है और बैंगन आए हैं भरते के लिए। मेथी मैंने स्पेशली बोली थी उनसे तो बहुत अच्छी मेथी के पत्ते लाए हैं, और इसका मैं आपके साथ कसूरी मेथी बताने वाली हूँ। तो मुझे जाना है मार्केट में और तैयार हो चुकी हूँ, बच्चों का भी दूध
नाश्ता करवा चुकी हूँ, मैंने खुद की चाय ले ली है क्योंकि हस्बैंड लेट आते हैं, तो अभी उनका आने के ऑफिस आने के बाद जो नहाना धोना होता है, कुछ हल्का खाना पीना है, तो वो सब करके फिर हम लोग मार्केट के लिए निकलेंगे और सभी लोग मार्केट जाएंगे चारों लोग। टीवी मरीजों की, तो टीवी बंद है, बेचारों की भूख प्यास ही बंद है बेचारे घर में। जब ये हुआ कि वैसे तो लोग नहीं जाना चाहते हैं मार्केट, आज जब मैंने कहा कि घर में रह लो तो तुरंत आवाज आई, टीवी तो है नहीं तो हम क्या करेंगे घर में रहकर मतलब टीवी नहीं है तो बच्चे घर में अकेले रह के क्या करेंगे। तो चलो भाई, और ये देखो तुलसी के पत्ते मैंने धुल करके साफ, एक एक पत्ते निकाले हैं और धुल के रखा है, चार पांच बार धुला है इसको, पूरी मिट्टी निकल गई है और मैं छन्नी में रख के जा रही हूँ। मटर भी मैंने धुले हैं क्योंकि इनमें मिट्टी रहती है तो उंगलियां खराब हो जाती हैं मिट्टी से सर्दियों में, तो मैं धो के ही मटर फिर छीलती हूँ हमेशा, तो वो भी धुल के रखे मैंने। और ये बैंगन गोभी के फूल खोल के रखे हैं पूरे साफ करके। जब मैं वापस आऊंगी मार्केट से तो इस मेथी का पानी झड़ जाएगा और फिर मैं इसको कपड़े में फैला के रखूंगी जिससे पानी पूरा सोक कर ले। तो अब इस तरीके से तैयारी बनाई गई है, अब शाम का समय जो, और जो बर्तन पड़े हैं सिंक में, जैसे थोड़ा सा जीरा राइस था तो मैंने बच्चों के लिए फ्राई किया, उन्होंने शेजवान जो राइस का मसाला होता है वो डलवा करके फ्राई करवाया था, तो उनको अच्छा लगा, टेस्ट चेंज हुआ, तो दोनों ने शौक से खाया शाम को हल्की भूख के लिए। और लंच वाला सुबह शूटिंग की थी मैंने, तो वीडियो शेयर ही किया था आपके साथ, और मैंने अपनी चाय, बच्चों का दूध वूध सब हुआ, और अब ऑलमोस्ट निकलने की तैयारी। यहाँ देखो दीवार में टीवी गायब है जो मैं टाइम दिखाती रहती हूँ, और पटाखे भी फोड़ने हैं तो वापस आके फोड़ेंगे बच्चे, क्योंकि या तुलसी विवाह है तो खूब आवाजें आ रही हैं। दूध वाले भैया की राह देख रही थी मैं, तो जैसे ही दूध नीचे से आवाज शुरू हुई तो और रुक गए हम लोग, पैकेट लेकर के मैंने धुल करके रख दिया यहाँ पर कि वापस आएंगे तो सिर्फ दूध बॉयल करने का ही काम रहेगा, बस अब हम लोग निकलेंगे। और जाते जाते ही वो सब झालर लाइटिंग जहां जहां जलाई जाती हैं वो सब पूरा याद से जलाई मैंने शाम को जल्दी। और अब लॉक करने की बारी आई, तो मैं और शुभी जाते हैं स्कूटी में, और शुभम अपने पापा के साथ बाइक में रहता है, ये शायद मैंने पहले भी शेयर किया है। हमारे यहाँ दोनों की अपनी अपनी गाड़ियां हैं, मेरी वैगो है, और वैगो मैंने सेकंड हैंड ली थी 25,000 की, बेचारी ने बहुत साथ दिया। पाचोरा में तो 2 साल बच्चों को स्कूल छोड़ना लाना मैंने किया, तब मैं वीडियोस वगैरह नहीं बनाती थी, मतलब फुल पैसा वसूल हो चुका है, और अब मैं उसको निकाल करके ज्यूपिटर लेने वाली हूँ, मुझे भी एक नया स्कूटर लेना है अपने लिए। ये है मेरी वैगो, है बेचारी सेकंड हैंड थी जब मैंने ली थी, और देखो 3 साल तो भुसावा लाए हो गए, और 2-3 साल मैंने पाचोरा यूज किया, मतलब 6 साल से करीब मैं इसको यूज कर रही हूँ। अभी कभी कभी बेचारी रोने लगती है, वो रखी रह जाती है इसलिए, रेगुलर नहीं चलती है, ये भी एक रीजन है। और बस सब अपने अपने साधन से चल पड़े। 4-व्हीलर का मुझे बहुत शौक नहीं है, इतना कभी सोचा ही नहीं मैंने इस बारे में, हम इसमें ही खुश हैं। अभी भी मुझे अगली गाड़ी लेनी है तो मैं स्कूटर ही लेना चाहती हूँ, उसमें फ्रीडम रहती है, मतलब फ्रीडम अपना उठाओ और चल पड़ो, वो चार पहिए में बड़ा तामझाम है, फिर वही सोचो फैमिली के साथ जा रहे हो, यहाँ लेके जाए वहां लेके जाए, इसमें एकदम लगता है कि हाँ आप इंडिपेंडेंट हैं, अपना स्कूटर उठाया और चल पड़े। जिसके लिए लेते हैं हम लोग, जो मकसद है गाड़ी लेने का हमारे जैसे लोगों के लिए यही है, क्योंकि रोज हमें घर से बाहर निकलना नहीं है, हम तो तब निकलते हैं मजबूरी में जब हमारे जाए बगैर काम होना ही नहीं, हमें जाना ही पड़ेगा, तो शौक से तो यूं ही हम यहाँ वहां कहीं जाते नहीं। और रेलवे वाले खास तौर पर, इन्हें हर जगह तो ट्रेन में बैठ के चल पड़ना है, तो ये सोचते हैं कि कार ले भी ले तो पेट्रोल क्यों भराए, तो जब ट्रेन में चलना है तो उसी से चल पड़ो, और अब तो एसी का भी पास रहता है तो और भी नहीं सोचते। पहले तो स्लीपर का पास होता था, स्लीपर में जाते थे मतलब हम लोग, तब भी वही हाल थे। ये देखो हम साईं जीवन में आ गए हैं, और ये सबसे पहला चीज मैं दिखा रही हूँ, ये है आइसिंग करने के लिए क्रीम, इसे व्हिप्ड क्रीम है ये क्रीम बेल लिखा है। मैं हमेशा स्टार वाली क्रीम लेती हूँ, मैं इसी शॉप से लेती हूँ, लेकिन पिछले 2-3 बार से स्टार नहीं मिल रही है, तो ये क्रीम बेल का मैंने लिया एक पैक। ये है हाक का नूडल्स व्हाइट वाला पैकेट चिंग्स का, मैं ये ही लेना चाहती हूँ, ये आज दिखा तो मैंने 4 ले लिया, अदरवाइज मैं हमेशा 2 ही पैकेट उठाती हूँ, वो ब्लैक वाला मिलता है कई बार, तो इस बार व्हाइट वाला दिखा। ये शुभम यीपी नूडल्स मांग रहा था वो लिया, ये देखो पापड़ उस दिन खत्म थे ना, 3 ही भुने थे मैंने, तो अब पापड़ उठाया मैंने। ये सुरुचि का पैकेट पापड़ मसाला पैकेट रहते हैं ये,
जो मैं गैस में भूनती हूँ, रोस्ट करती हूँ, ये वो वाले हैं। ये मेयोनीज लिया है मैंने, फन फूड का एक बॉटल। यहाँ पर ये देखो मसाले हैं। अब चूंकि विंटर सीजन आ रहा है, पत्ता गोभी गाजर मटर आनी ही आनी है, और बच्चों को चाइनीज बहुत दिनों से नहीं बनाया है, तो मैंने दो तीन तरह के पैकेट लिए हैं। मंचूरियन पैकेट और फ्राइड राइस के लिए पैकेट और नूडल्स का पैकेट, और ये चैन प्रास हो गया। यहाँ पर ये देखो वर्मीसेली है, बारीक वाले आते हैं ना सेवियाँ, तो ये जैसे मटर का सीजन है तो वर्मीसेली पुलाव बनाने के लिए बहुत काम आती है। ये मैं रोस्टेड सेवैयाँ यूज करती हूँ खीर के लिए, ये देखो बारीक बारीक सेवैयाँ। ये एक ऐसी शॉप है, चाहे मैं 2-3 महीने में एक बार चढ़ूं, पर जब आती हूँ तो सारा सामान यहीं से मिलता है। मैं यहाँ वहां, और मैं भुसौल में कुछ जानती भी नहीं, ये भी एक मजेदार बात है। ये है बॉर्नविटा का पैकेट, बच्चों के लिए लिया है टेस्ट चेंज करने के लिए। वैसे तो मिश्री वाला पाउडर पीते हैं ये लोग, सॉफ्ट मिश्री वाला, लेकिन टेस्ट चेंज के लिए। और ये सोसाइटी मेरी चाय, मेरे मतलब क्या कहना चाहिए, मेरी दवा, मेरा बूस्टर बूस्टर है ये चाय। इसके आगे ही फिर मेरी गाड़ी बढ़ती है चाय पी के ना, तो ये चाय। ये देखो बेकिंग का पूरा सेक्शन, बेकिंग के देखो कलर्स रखे हैं, लिक्विड कलर आते हैं, ये फूड कलर्स होते हैं जो कि आप आइसिंग में क्रीम के लिए यूज कर सकते हैं। यहाँ पर ये देखो सारे कलर्स हैं, सारे एसेंस हैं, ये बॉटल्स देखो एसेंस की हैं, और इमर्शन भी आता है जिसमें कलर होता है और फ्रेग्रेंस खुशबू भी होती है केक में। जब आप जैसे सपोज आपने डाला इमर्शन पाइनएप्पल इमल्शन, तो आपको फ्लेवर भी आएगा और येलो कलर भी आएगा, तो ज्यादातर इमल्शन यूज करते हैं। ये स्प्रे है देखो केक में डेकोरेशन के लिए यूज करते हैं आजकल। ये देखो सारे कलर्स के मिलेंगे आपको, गोल्डन है, चॉकलेट ब्राउन है, बहुत सारे कलर, सारे के सारे बॉटल्स रखी हैं। इस तरह की जो शॉप होती हैं जहां पर सारा सामान मिलता है, जैसे यहाँ पर ये साईं जीवन है, और हम पाचोरा रहते थे तब हम नवजीवन से सामान लेते थे, इस टाइप की शॉप्स हैं। ये देखो मैंने लिया है बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा, ये दो अलग अलग बॉटल है ना, ब्लू वाली बेकिंग सोडा है केक के लिए, और बेकिंग पाउडर रेड वाली भी जो मेरे हाथ में डब्बी है। और ये है जो मुझे एसेंस चाहिए था वो नहीं मिला, जैसे मैंने पाइनएप्पल मांगा नहीं है, वेनिला मांगा नहीं, स्टॉक में नहीं था, तो लेकिन इसी सेक्शन में मिलता है। ये सेक्शन पूरा ऑल टोटल बेकिंग का सामान है, जितना भी यूज करते हैं हम लोग। मिल्क मेड भी देखो यही रखा है पास में, जैसे केक बनाने के लिए मिल्क मेड की जरूरत है तो। और ये हैं मसाले के पैकेट, ये कॉर्नफ्लोर है, डब्बा भी मुझे आंखों से ठीक से दिखाई नहीं दे रहा वॉइस ओवर में। ये मैंने कस्टर्ड का पैकेट लिया है, कॉर्नफ्लोर का पैकेट भी यही रखा हुआ था। और ये मैक्रोनी पास्ता, और या फ्राइड आइटम पोंगे होंगे जो शुभम को बहुत पसंद है, मैं कभी भी कुछ ले रही होती हूँ पीछे से एक पैकेट चुपके से लेके आता, मम्मी ये रख ले, अच्छा रख लो इसमें वो तलने के लिए रहता है कढ़ाई में डाल करके। और ये नीलगिरी का तेल है शायद, और ये सारी चीजें यहाँ रखी हैं। अभी मैं दिखाऊंगी वो झंडू वाली बॉटल ना, जो दाल चावल में रखते हैं, वो अभी दिखाती हूँ। वो शुभ भी उठा के लाई, मम्मी ये दिख गई, बच्चों को भी दिख गया, ये सही पैकेट है, ये तलने वाला लिया शुभम के लिए। और ये गुलाब जामुन का पैकेट इंस्टेंट वाला मैं उठा रही थी गेट्स वाला, फिर मैंने ताई से पूछा यहाँ पर जो है ना वर्कर कि मतलब एक तो कुछ चीजें इन लोगों को पता होती है यहाँ पे ज्यादा कौन सा यूज करते हैं, तो जैसे मैं उठा रही हूँ ना तो वो बोली कि आप ये लो मैडम गोवर्धन का बहुत अच्छा है इसका रिजल्ट, तो मैंने कहा चलो गोवर्धन लेंगे। और ये रही तुलसी अर्क जो हम लोग पानी में डाल के पीते हैं, ये देखो यहीं पे लिखा ना हेम पुष्पा, ये सारी दवाएं आयुर्वेदिक जैसी, तो तुलसी अर्क की बॉटल ली है, ये हम लोग पानी में ड्रॉप डालते हैं तो पानी पीते हैं। ये देखो एवरेस्ट का ये मिल्क मसाला पैकेट जो मैं हमेशा यूज करती हूँ ना, ये देखो झंडू पार तिकड़ी, ये बॉटल होती है मेडिकल स्टोर में तो मिलती ही है, लेकिन देखो साईं जीवन में भी रखी है, हमने यहीं से लिया। ये मैं दाल चावल जो भी स्टोर करती हूँ उसमें कपड़े में बांध के ये दवा रखती हूँ। अब गुड़ लिया है, गुड़ का सीजन आ रहा है, ये देखो इमली पूरी पैकेट में पैक्ड है। इस तरह की जो सुपर शॉप से, इनकी सबसे अच्छी बात यह है 2-1 रुपए ज्यादा होगा आपको और दूसरे शॉप से, लेकिन साफ सुथरा सामान होता है। आप यूं लेकर के जाओ सारा सामान, बस कैंची से पैकेट खोलते जाओ, रिफिल करते जाओ आंख बंद करके, मतलब कुछ रहता नहीं है, कचरा वचरा नहीं है। ये नहीं कि चुन चुन के साफ करके रखना पड़े, ये चीज मुझे अच्छी लगती है क्योंकि ये खट्टा सामान लेना, ये देखो बाजरा, ज्वार, उड़द की दाल, चने की दाल, तुअर दाल, मूंग दाल छिलके वाली, बगैर छिलके वाली, उड़द की या मूंग की जितनी भी दालें हैं, ज्वारी भी रखी है देखो, बाजरे की भी पैकेट 2-2 किलो के, 1-1 किलो के, हर साइज के उन्होंने पैक बना के रखे हैं।
हम जब से भुसावल आए 3 साल हुआ, हम यहीं से सामान लेते हैं। राई मोहरी जिसे कहते हैं, बारीक वाली भी मोटी वाली भी, ये मेथी पाउडर है। मेथी पाउडर जैसे मैंने, हाँ मैंने दिखाया था ना एक दिन मेथी पाउडर, तो पूछा किसी ने कि मेथी पाउडर, मैंने मेथी पाउडर चक्की से पिसवाया था। मेरी जो भाभी जी फ्रेंड है उन्होंने पाव भर मेथी पीस के दी थी मेरे को, उनकी छोटी चक्की है। लेकिन ऐसे मार्केट में भी पैकेट आते हैं मेथी पाउडर, जैसे विंटर सीजन है आप आटे में 2 चम्मच डाल के गूंथ लो, रोटियां बना लो, सब लोग खा लेते हैं शौक से, पता भी नहीं चलता, और मेथी फायदेमंद होती है। यहाँ पर सारी चीजें रखी है, बेसन है, मैदा है, जितनी भी चीजें, देखो सफेद तिल भी है और क्या क्या है, ये क्या है, उरद की मसूर की दाल है शायद छिलके वाली, ये खड़ी उरद की दाल है, वो जो दाल मखनी बनती है उसके लिए छिलके वाली खड़ी उरद चाहिए होती है ना। राजमा के देखो 2 तरीके के पैकेट हैं, और मूंगफली के वो शेंगदाने का पैकेट एकदम साफ सुथरा रहता है। ये देखो राजमा की 2 वेरायटी में, एक डार्क है और एक लाइट ब्राउन है। मैं लाइट ब्राउन वाला लेती हूँ क्योंकि जब भी हम डार्क वाला लेते हैं तो ये पकने में बहुत टाइम लेता है। और ये देखो स्वास्तिक पोहे का पैकेट, ये है चीनी जो हम हमेशा यूज करते हैं, मधुर का ये 5 किलो का पैकेट है, मतलब इसी शॉप से सारा सामान आता है हमारे घर। और ये है फॉर्च्यून का कच्ची घाने सरसों का तेल। बाकी हम जो पीनट ऑयल यूज करते हैं वो जैमिनी का है, हमारा टिन है पूरा। ये देखो मैं राइस दिखा रही हूँ, ये वाला वोडा कोलम लिया हमने, 60 रुपीज केजी है, और शायद कोलम 55 होता है, लास्ट टाइम हमने कोलम लिया था ना, ये 60 का है वोडा कोलम। और जो इडली और डोसे के लिए लेते हैं मोटा वाला चावल, वो भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ पास से शुभी को, शुभी हमारी कैमरा मैन होती है। देखो ये वाला, ये मोटा चावल है इडली और डोसे के लिए, 33 रुपीज का मिला है, जबकि ये चावल, और लास्ट टाइम हमने वही इडली का चावल 30 रुपीज का लिया था ना, यही बता रही थी मैं। अब देखो ये जो शॉप है ना, ये इसमें 3rd फ्लोर तक है, तो अब मैं 2nd फ्लोर में जा रही हूँ। अभी तक जो भी था वो 1st फ्लोर में था, 2nd फ्लोर में आए हैं। तो यहाँ पर ये देखो कॉस्मेटिक्स का सामान है, जैसे कि बॉडी लोशन, क्रीम, ये सब चीजें। और इसमें से यहाँ पर से हम लोग लेते हैं ये निविया की क्रीम, हमारे घर में ये वाला डब्बा रखा होता है ड्रेसिंग टेबल के सामने, आपने देखा होगा ये बड़ा डब्बा आता है, यही खूब पोतते हैं हम लोग मुंह में हाथ में सर्दियों में, मतलब ये कोल्ड क्रीम चाहिए होती है, यही वाली ज्यादा चलती है। और यहाँ पर ये देखो पूजा का सामान इस तरीके से, मैं एक आपको दिखाऊंगी, एक सेट है इस तरह का मेरे पास है घर में, जब कभी हल्दी कुमकुम हो तो मैं निकालती हूँ। ये देखो ऐसी डिश वाटी होती है, एक ट्रे होती है, डिश बोलते हैं, वाटी मंजे कटोरी, और चम्मच है तो बस छोटे छोटे चम्मच, ये 4 का सेट भी होता है, 2 का सेट भी होता है। जैसे आप लेडीज हल्दी कुमकुम करते हैं ना महाराष्ट्र में, तो उन्हें कुछ मीठा खिलाना है वो भी रख सकते हैं। मैं निकालूंगी दिखाऊंगी, मेरे पास बहुत प्यारा सा है, एक सिल्वर कलर का है और एक गोल्डन वाला भी सेट है। यहाँ पर लेडीज आइटम है, ये क्लैचर व्लैचर है, क्योंकि जहां पर जो चीजें चलती हैं उसका ज्यादा रीति रिवाज रहती है ना, तो वो चीजें मिलती ही हैं, मतलब यहाँ पे मिलता है वो वाला सेट। और ये क्लैचर देख लो, अभी मैंने लिए थे कुछ दिनों पहले, ये इयर रिंग्स देखो, मैं उस दिन लेके आई हूँ ना सेट वैसे, इसलिए हम और शुभी ले नहीं रहे, सिर्फ हम दिखा रहे हैं आपको। हमने यहाँ से कुछ भी नहीं लिया कॉस्मेटिक, ये सारा ज्वेलरी वाला कुछ नहीं लिया आर्टिफिशियल, क्योंकि अभी मैंने दीपावली में लिया ही हुआ था, जो मैं सस्ते सस्ते आइटम बटोर के लाई थी ना 100-100 रुपए वाले, बहुत सुंदर है वो। अब यहाँ तो महंगे भी होंगे पर अगर लेना हो तो ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, चीज में भी फर्क होता है आप शॉप से लेते हैं क्वालिटी का, लेकिन चाहिए नहीं हमको, मैं दिखा रही हूँ केवल। तो यहाँ पर ये लिपस्टिक और सारा कुछ, ये भरनी ली मैंने, ये देखो इस तरीके की मैंने एक बड़ी भरनी ली है, सेरेमिक की है ये, एक तो मैं रखती हूँ ना वो सॉल्ट, रॉक सॉल्ट एक मैंने, और दूसरा भी रखना है जिसे मैं नॉर्मल आयोडीन सॉल्ट रखूंगी, क्योंकि रेगुलर वो वाला सॉल्ट खाना ना क्या रॉक सॉल्ट खाना ठीक नहीं है, मुझे किसी ने बोला, तो मैं 2 तरीके के डब्बे रखूंगी, एक में आयोडीन वाला और एक में रॉक सॉल्ट। और ये देखो प्लास्टिक स्टोर भी है यहाँ पर, बहुत सारा है, जैसे छोटी छोटी चीजें देखो, छोटे छोटे पॉट, और एक ये चीज मुझे दिखी, देखो ये मेरे पास जो है ना लॉन्ड्री बैग हमारा पिटारा, ये देखो यहीं से लिया था हमने, वो बड़ा सा पिटारा है ना ब्राउन ब्लू कलर का है हमारा, मंदिर वाले कमरे में रखा रहता है ना, पूजा वाले कमरे में मंदिर के बगल से, ऐसा है, कितना गहरा है ना, मतलब 4 बाल्टी जितना इसके अंदर कपड़े घुस जाए, तो बहुत गहरा है। ये देखो ये लॉन्ड्री बैग हमने लिया था यहीं से, बॉक्स लॉन्ड्री बॉक्स यहीं से लिया था। तो ये देखो बड़ी से,
यहीं पर फ्लावर ये मिलते हैं, गमले वगैरह भी प्लास्टिक के, उनकी प्लेट डिश नीचे रखने वाली पूछ रहे थे ना व्यूवर्स, यही मिलता है सब नंबर के हिसाब से प्लेट मिलती हैं। ये देखो इन दिनों दीपावली में यहाँ कलरफुल बाती मिल रही थी, वो जो फूल बात होती है ना दीपक जलाने के लिए, ये देखो। अभी दिवाली में तो मैं नहीं आई थी यहाँ पर अभी आई हूँ तो दिवाली के बाद वाला भी सामान रखा हुआ है, कलर्ड फूल बात ना देखने में अच्छी लग रही है, रेड पिंक येलो। वैसे सच बताऊं रेड कलर का जो धागा कलावा होता है ना उससे जनानी चाहिए बात, लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। और ये यहीं पर ये सारे बॉक्सेस रखे हैं, और ये देखो स्कॉच ब्राइट का वो स्पॉन्ज वाइप जो मैं मेरे पास है ये वाला पैकेट जिसमें चार थे, जिससे मैं फ्रीज क्लीन करती हूँ। यहाँ देखो ये छोटे वाले वाइपर है पतले वाले किचन के, और मुझे तलाश है वॉश बेसिन साफ करने के लिए, सिंक वगैरह घिसने के लिए तो छोटा सा ब्रश चाहिए था, ये लिया मैंने यहीं से ब्लू कलर का, ये देखो बहुत अच्छा है, गाला का ही लिया मैं, क्लीनिंग प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ गाला का ही यूज करती हूँ, मतलब भरोसा है मुझे, ऐसे ले लेती हूँ बिना टैग वैग देखे क्योंकि उनकी चीजें अच्छी रहती हैं। और अभी मैंने स्टील के हुक उठाए थे ना वो भी लिया मैंने किचन में लगाने के लिए, स्टील के हुक अच्छे हैं कुछ भी जैसे हॉट मैट वगैरह टांगनी हो तो। ये देखो बेकिंग के लिए सामान, ट्रे देखो कितनी बढ़िया बढ़िया बेकिंग मोल्ड हैं, क्योंकि हमेशा ये वाली जो प्लेट होती है ना, प्लेट से आप उठाते हो तो एक तो पूरा केक आपका बाहर आ जाता है, ये देखो प्लेट जो चिपकने वाला प्रॉब्लम है वो नहीं होता है, इजिली निकल जाता है। इस तरीके के मार्केट में कितने बढ़िया बढ़िया मोल्ड है देखो, मेरे पास तो पहले के हैं तो बहुत सारा है, मेरा बेकिंग का अभी तक दिखाया नहीं मैंने कभी ना, मौका ही नहीं आता, खूब सारा है। ये देखो ट्रे, मुझसे कितना लोग अभी भी पूछते हैं मेरी ट्रे देख देख करके कि आपने ये ट्रे कहाँ से ली, ये ट्रे कहाँ से ली। अरे खूब बड़े बड़े, मेरी ट्रे से भी बड़े बड़े साइज की ट्रे मिलती हैं, ये देखो रखी है ना, ये कन्वेक्शन मोड में भी यूज होती हैं और माइक्रोवेव मोड में भी यूज करते हो आप, ये कर सकते हो। ये देखो ट्रे रखी हुई है, इसमें पिज्जा कितना मस्त बड़े बड़े साइज का बन सकता है पिज्जा के लिए, या फिर कुछ भी आप यूज करते हो तो ये देखो इस तरह की ट्रे अलग से आती हैं। मेरी जो ट्रे है वो मुझे माइक्रोवेव के साथ मिली थी, लेकिन मार्केट में भी मिलती है, अगर आपको नहीं मिला है तो आप ले सकते हैं। ये देखो बेलन, पतली वाली बेलन भी है जो मेरे पास है ना, एक इतनी पतली वाली जिससे वो एकदम पतली वाली रोटी बेली जाती है, गुजराती काफी फैमिलीज में यूज होती है पतली वाली, वो भी है यहाँ पर। और बेलनिया भी है जैसे वो लाइनिंग वाली जिससे मैंने उस दिन शक्कर पारे बेले थे आई के घर में। और ये स्पैचुला देखो बढ़िया वुडन वाला है, जैसे कि जो हम लोग को मिलते हैं कढ़ाई वढ़ाई के साथ तो वो बेचारे जल भुन गए और पतले पतले हल्के फुल्के ये अच्छे हैं। और ये देखो स्टील का कटर है यहाँ पर, देखो कुकीज कटर है या केक कटर है शेप्स बनाने के लिए, यहाँ बेकिंग की बहुत सारी चीजें हैं। और मोल्ड तो इतनी सारी है, ये देखो आइसक्रीम स्कूप है यहाँ पर, यहीं से हमने भी लिया था, मेरे पास है स्टील का। और ये देखो ट्रेज हैं हर साइज की, प्लेट है सर्विंग प्लेट, और देखो सन्नाटा कितना है। मैं क्या उम्मीद कर रही थी कि साईं जीवन जाएंगे तो पता नहीं शूटिंग वूटिंग कुछ कर भी पाएंगे या नहीं, कैमरा लिए ही बैठे रह जाएंगे, पर यहाँ तो सफाचट सन्नाटा है, मतलब इस कदर कोरोना का खौफ है। देखो जरा गिनती लोग ही नहीं नजर आ रहे हैं इस वाले सेक्शन में, तो मैं और शुभी खड़े हैं केवल। ये देखो ऑयल बॉटल है कितनी बढ़िया स्टील वाली जो आती है, ये मिल्क बॉयलर क्यूट सा, हमारे घर था एक मिल्क बॉयलर एल्यूमिनियम का, मम्मी के पास था, उसमें सीटी बजती थी। ये देखो बटन इडली वाला है स्टैंड, बटन इडली मेरे पास है ना स्टैंड, ये वैसा है, ये सारा कुछ है। घी दानी है, देखो कुछ भी पूछते रहते हैं लोग कि कहाँ मिलता है कहाँ मिलेगा। ये देखो फ्रिज में रखने के लिए अदरक हरी मिर्ची धनिया रखने के लिए स्टील के कंटेनर हैं, छेद छेद बने हैं जिनमें। और ये बॉटल है स्टील की वाटर बॉटल, हमने अभी जब रूबी के बेटे का बर्थडे था वो बर्थडे सेलिब्रेशन दिखाया था ना, तो उन बच्चों के लिए तो हमने ऑनलाइन मंगवाई थी स्टील की बॉटल, 1100 की टू बॉटल्स थी, वो अच्छे हैं काफी, पर यहाँ पर भी है वही देख रही हूँ मैं। और ये फाइव प्लास्टिक की तो बास्केट वगैरह इतने तामझाम है कि घर गृहस्थी तो ना पूछो, जो देखो वही लगता है अच्छा लग रहा है ले ले क्या, पर रखिए कहाँ, वही चीज है ना, अपने खुद के घरों तो एक स्टोर रूम जरूर बनवाना चाहिए, चाहे कुछ हो चाहे ना हो, ताकि मन चाहिए चीजें ला ला के वहां रख तो सके। अब तो मतलब हम लोगों को कुछ ये सोचना पड़ता है, ले तो लो अच्छा तो बहुत लग रहा है, रखेंगे कहाँ। और ये देखो छोटी छोटी सी बास्केट है, ये फ्रिज में रखने के लिए कम स्पेस लेती हैं, गहरी होती हैं छोटे, ये बाउल अच्छे हैं जैसे ड्रेसिंग टेबल में रखने के लिए अच्छे हैं, जैसे क्लिप क्लैचर रबर बैंड वगैरह रख सकते हैं। और इस तरीके की कांच लगा हुआ ऊपर और स्टील की छोटी छोटी डब्बियां हैं, जैसे आप कुछ भी किचन में रखते हो तो आपको नजर आए, हर साइज की डब्बियां हैं छोटी बड़ी, हींग की डब्बी लोग पूछते रहते हैं ना, हींग की डब्बी देखो छोटी छोटी सारी डब्बियां रखी हैं,
चाहे जो भी मतलब चीज भर सकते हो आप इसमें। और ये आजकल तो जैसे ये बास्केट है फ्रिज में रखने के लिए, इनका ढक्कन भी है, मतलब ऐसे कवर करके रख सकते हैं फ्रिज में, ऐसे ये लंबी पतली हो करके नहीं, ऐसे खुसका दिया सेकंड थर्ड जो शेल्फ होती है फ्रिज में। और इस तरीके की हमने फ्रिज अपने ड्रेसिंग टेबल में रखे हुए हैं ना, जिनमें हम बॉटल्स वगैरह रखते हैं, तो ये भी यहाँ पर मिल रहा है। और क्या क्या है, बर्थडे का सामान है, बलून वलून और ये सब सजाने बजाने वाला, यहाँ पर ईयरबड्स हैं, और ये वही रखी है कापास वाली, कापूस की वो जो रखी है बातियां, और ये हैंड वॉश है। हाँ, यहाँ वाले सेक्शन में आए हम लोग, थोड़ा आगे बढ़े तो यहाँ सारे साबुन वगैरह रखे हैं, टॉयलेट्रीज है मतलब इस सेक्शन में। अब सोचो सन्नाटा है, वो बेचारी तीन चार लड़कियां थी जो यहाँ काम कर रही थी, वही साबुन अबुन लगाने में लगी पड़ी थी, और हम और भी घूम रहे हैं, पूरा खाली है। सोचो ये हाल है, मतलब कोरोना ने कितना चेंज कर दिया लाइफ लोगों की, कि बहुत ज्यादा जरूरी है तभी लोग निकलते हैं, और यही चीज सीखने वाली चीज है। ये वाइपर लिया हमने गाला का, बस उठाना था तुरंत उठा लिया गाला का। और ये देखो पीतांबरी, बर्तन साफ करने के लिए, मैं पीतल और तांबे के बर्तन के लिए क्या यूज करती हूँ, ये देखो पीतांबरी पाउडर में पूरा देवघर का जितना भी हमारा सामान है पूजा का, मैं पीतांबरी का भैया पाउडर था सॉरी पीतांबरी जैसा भैया पाउडर, यहाँ भैया पाउडर मिलता है, मैं भैया पाउडर ही यूज करती हूँ, यही मिलता है। और ये एड़ी साफ करने के लिए बाथरूम में रखने के लिए प्यूमिक स्क्रबर है। और ये देखो कितना सुंदर सुंदर है, स्टोन वाला सजा हुआ डेकोरेशन वाला, हल्दी कुमकुम की वाटी है, डिश और वाटी, और ये तोरण है। दीपावली में आए होंगे ना ये सब सामान, दीपावली में मैं आई नहीं यहाँ पर शॉपिंग के लिए, क्योंकि डेली वीडियो होते थे, रेसिपीज होती थी, तो जो भी सामान चाहिए हस्बैंड से मंगा लिया। अब हम थर्ड फ्लोर में जा रहे हैं, मैंने सेकंड फ्लोर तक दिखाया आपको, मतलब फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर दिखाया, ये थर्ड फ्लोर में आए हम। यहाँ गारमेंट का सेक्शन है, डोर मैट वगैरह हैं, और स्वेटर हैं, गाउन हैं, कर्टन्स हैं, ये देखो आप। और यहाँ पर ये रूल है इनके यहाँ कि थर्ड फ्लोर में जो भी सामान लेंगे हम, तो यहीं बिल पेमेंट करना है, बाकी नीचे उन दोनों सेक्शन का होना है। तो सारा ट्रॉली भर के सामान हमारा पहुंच चुका है, हमारा शुभम है ना और गुप्ता जी हैं, सब उन लोगों ने सामान जो भी हम लोगों ने डाला ट्रॉली में सब वो पहुंच जाना है। यहाँ पर मैं दिखाने के लिए आई हूँ कपड़ों का, हम कोई भी सामान हमने आज तक यहाँ से नहीं लिया है ना आज लेने वाले हैं, बस दिखा रही हूँ मैं। ये देखो बच्चों के लिए ट्राउजर, जीन्स, लोअर, बरमूडाज, बच्चों की टी शर्ट्स और वूलेंस, यहाँ ज्यादा ठंड होती नहीं है महाराष्ट्र में और खासकर भूसौल में, लेकिन जो भी हल्की फुल्की होती है यहाँ की सबसे वो ही बहुत होती, कान बजने लगते हैं लोगों के, मतलब ऐसा बोलते हैं लोग कि ले भारी ठंड को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं ठंड को, कुछ कहते हैं, हाँ ऐसे कहते हैं, कान बज ठंडी बज रही है ऐसे बोलते हैं। और ये देखो स्कार्फ स्टोल्स वगैरह हैं, और ये बच्चों की कैप वगैरह हैं, और लॉन्ग यहाँ पर श्रग जैसे टंगे हुए थे, जैसे कि स्वेटर पहनते हैं कार्डिगन हम लोग, तो लॉन्ग हैं श्रग। और मेरे पास जितना वूलन है वो सब यूपी का ही है, चाची रहती थी आगरा में तो कई सारी चीजें तब वहां की ली हुई हैं, या फिर जब मैं जाती हूँ वहां तभी ले लेते हैं। और ये देखो ये मैं ढूंढ रही थी ऑनलाइन तो बहुत महंगा था, ये पत्ते पत्ते जैसे दिख रहे हैं, मैं एक्चुअली मनी प्लांट के देख रही थी कि मैं आर्टिफिशियल लटका दूंगी बालकनी में, सुंदर दिखेगा दशहरे दिवाली के टाइम पर, तो काफी महंगा था ऑनलाइन, यहाँ पे रिजनेबल प्राइस में है। और ये खूब सारा है प्लास्टिक वाला जितना भी है, ये एक लड़ जो टंगी थी मैंने पूछा था तो उन्होंने बोला 135 की एक लड़ है, तो थोड़ा सा महंगी लगी है, अब नहीं कह सकते, क्यों हमारे गेंदे वाले झंडू वाले लिए हमने दिवाली में वो तो 50-50 रुपीस के हैं, अब शॉप है तो थोड़ा सा फर्क पड़ेगा ही। और ये कांच का है जितना भी सामान, तो ग्लासवेयर में मग्स अच्छे लग रहे थे तो मग लिए हमने बच्चों के लिए, कॉफी मग है तो वही बच्चों को दूध के लिए, तो वही सब चल जाता है इसमें भी चॉइस के लिए, मैंने शुभम से कहा तो दिल विल वाले तो छूना ही नहीं है, उसे लेना ही नहीं था, और दिल वाले अच्छे दिख रहे थे वो सफेद में लाल लाल जो बने थे हार्ट शेप, तो शुभम बोला नहीं मुझे वो लाइन पट्टी वाला चाहिए जो दिख रहा है ना, तो या एक इसमें ये शुभी बोली हाँ ये भी अच्छा लग रहा है स्माइल वाला, ये ब्राउन वाला तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, गोल सर्कल बना हुआ है, लास्ट में वो लिया जिसमें तीन कलर की पट्टियां हैं, और दो मग लिए बच्चों को। और उसके बाद यहाँ पर कहाँ आए हम लोग, हाँ ड्राई फ्रूट्स हैं, देखो यहाँ सारे ड्राई फ्रूट जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं, पिस्ता, काजू, बादाम, डेट्स वगैरह सब
खारी खा जो छुआरे होते हैं, कटे हुए भी हैं छुआरे कि आपको काटने में दिक्कत ना हो, विंटर सीजन आ रहा है, मेथी के लड्डू बनाना हो तो सारे ड्राई फ्रूट्स इसी सेक्शन में है। तो जो जो अभी मुझे लड्डू नहीं बनाने, तो मैंने ड्राई फ्रूट्स वगैरह ज्यादा नहीं लिए, रेगुलर जो लेते हैं वही लिए गए हैं। अभी लड्डू बनाने वाले सामान बाद में लिए जाएंगे, अभी बहुत थकान है दीपावली की, थोड़े दिन रुक के बनाएंगे 15 दिन बाद, थोड़ा ठंड भी पड़े तब मेथी के लड्डू बनाऊंगी मैं ड्राई फ्रूट्स वाले। और बस फिर सब सामान हो चुका और यहाँ पर सारा भरने पड़ते हैं झोले थैले। और फिर हमारे शुभी शुभम आए हुए थे तो ऑटो में सारा सामान रखाया गया, दोनों बच्चे ऑटो में बैठ गए। भाई बहन अब बड़े हो गए, बच्चे इतना तो मतलब संभाल ही लेते हैं, और हम दोनों अपनी अपनी गाड़ी से घर पहुंच गए। तो ये हमारा साईं जीवन का खजाना खरीद के लेके आए हैं हम लोग, अपने घर आए हैं। टाइम ये देखो ये हो रहा है घर खोलते ही, और बच्चों को पटाखे की आवाज सुन के पटाखे फोड़ने की जाने की इच्छा हो रही थी। शुभी कपड़े चेंज करके छत में पापा के साथ गई पटाखे फोड़ने के लिए, और मैं और शुभम नीचे हैं, शुभम नहीं गया। आते के साथ सबसे पहला काम मैंने दूध को बॉयल करने रखा गैस में, क्योंकि मैं पैकेट धुल के रखी गई थी, और मटर इसलिए छील रही हूँ कि उतनी देर में दूध बॉयल हो जाए। यहाँ पर मटर मैं छीलती जाऊं, और कुछ शॉर्टकट बनाना है तो आलू मटर बनाऊंगी मैं फटाफट से, और गरम गरम रोटियां सेक लेंगे। सिर्फ सब्जी रोटी बनानी है जिसकी शूटिंग मैं नहीं करूंगी, आलू मटर की सब्जी और गरम गरम रोटियां खानी है। मेथी को जो मैं छन्नी में रख के गई थी उसे मैंने कपड़े में फैला दिया है अच्छे से, ताकि पूरा पानी उसका सोख कर ले। और मैंने सैनिटाइजर हम लोग लगा के गए थे, आने के बाद भी लगाया गया, सबने कपड़े चेंज कर लिए। बस अब मैं जा करके नहा के चेंज करूंगी और उसके चेंज करूंगी नहाऊंगी और फिर रात मतलब खाना बनाऊंगी। तो जितनी देर दूध बॉयल किया बस मैंने सिर्फ मटर ही छीलनी थी, और फिर मैं आज आगे की शूटिंग नहीं करना चाहती हूँ। सुबह से तो आज शूटिंग थी, सुबह लंच वाला था, फिर ये शाम को हो गया है। तो अब मैं दिखाऊंगी कि इस मेथी का मैं कल क्या करने वाली हूँ, और मटर की तो सिंपल सब्जी बनाएंगे, तले हुए मटर रहते हैं ना, बहुत मीठा मटर है, छोटे दाने का है इसीलिए। तो सबने बस यही काम किया, आज का व्लॉग यहीं पे खत्म करेंगे। और ये जो छिलके हैं इन्हें बिल्कुल भी डस्टबिन में नहीं डालना, अलग से एक डस्टबिन में रखेंगे, जिससे मेथी के जो डंठल है, मटर की डंठल, ये छिलके हैं, ये सब मैं अलग से दूंगी जो आती है ना कचरा लेने, तो ताकि वो गाय और जानवरों के लिए अलग से डालें। ये पूरा जाड़ा सिलसिला चलेगा मेरा, मैं डस्टबिन में नहीं डालती हूँ हरा वाला जो है ना, और इन दिनों ज्यादा निकल